Student, most welcome to the online classes of SPPS. In this video for 6th class in English grammar, I will teach you lesson number 4, a one sentence kind. Vakyam ke prakar. So, in your chapter number 1, there are 4 kinds of sentences. Aapke 4 prakar ke sentence diye gaye hain. Pehle aapka hota assertive. जैसे सिंपल सेंटेंस बोला जाता है अफर्मेटिव के कहते से सेकंड विद इंटरोगेटिव आईएनटी डबल मार्क जी टी यानी कि प्रश्नवाचक शब्द थर्ड टाइप से इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी बोधक वाक्य तो आपका पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस देखिए मैं आपको डेफिनेशन बोलूंगा और मेरी आवाज को सुन के लिखोगे ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस वेरी इजी एक वाक्य जो किसी स्टेटमेंट को बनाता हो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस और इस्तेमाल कर सकते हो Assertive sentences are also known as declarative sentences. इन्हें declarative sentences भी कहा जाता है जैसे ए टीचर इज एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन ए टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन ठीक है एंड असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स आपके दो प्रकार होते हैं पहले अफर्मेटिव और दूसरे नेगेटिव होते हैं जैसे द सनराइज इन द ईस्ट अफर्मेटिव हो गया और सी डज नॉट वर्क हार्ड बाय कठिन मेहनत नहीं करती है नेगेटिव हो गया इसमें नॉट लगा होता है योर सेकेंड टाइप सेंटेंस इज इंटरोगेटिव आपका दूसरा कौन होता है इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक Now, what is interrogative? A sentence that asks a question is called interrogative sentence. एक बात जो एक प्रश्न पूछता है, उसे interrogative sentence कहलाते हैं. And you know, your interrogative sentence also of two types. ये भी दो प्रकार होते हैं. पहले होते हैं yes, no type question और second one WS, what questions? Means The interrogative sentence which start with a helping word. Yes, no, sentence please. Do you know me? क्या तुम मुझे जानते हो? जानते हो? Yes, I can. नहीं जानते हो? No, होगा. W I to me. W I is what comes to my mind. Do you go there? तुम वहाँ कब जाते हो? They are two types. Third one is called imperative. मिस आज्ञा प्रार्थना सूचक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर जो एक ऑर्डर को व्यक्त करे रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस एंड जनरली दिस सेंटेंस बिगिंस विद ए वर्ब जैसे कि गो देयर वहां जाइए प्लीज कम हियर रिक्वेस्ट हो गया कृपया यहां आइए लाइक दिस And fourth one is your explanatory. जिसमें आप ही बोलते हो बात. इसमें क्या होता है? A sentence that expresses strong feeling, जो एक सशक्त भावना को व्यक्त करे, is called an explanatory sentence. जैसे how beautiful the flowers are, for example, how beautiful कितने सुंदर है सो एज अ होमवर्क डियर स्टूडेंट आई हैव टोल्ड यू सेंटेंस कांड देयर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंस असर्टिव इंटरोगेटिव इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी होमवर्क के रूप में यू विल राइट एंड लर्न सी डब्ल्यू जो भी सी डब्ल्यू लिखा है तो लिखोगी बाय स्क्रीन मेरी भाषा का आवाज को सुन के और इनको वो भी करोगे
लर्निंग करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन